दोस्तों, अब इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं उसके घूमने फिरने के लिए, आपको भी घुमाते फिराते हैं, तो हमारे साथ रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, हमारी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हम इस्लामाबाद के खूबसूरत खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए सीधा जा रहे हैं दामन एकोह, और हमारी ड्राइविंग होगी आधे घंटे की। आधे घंटे बाद हम इस्लामाबाद से दामन एकोह में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस चौक से हम सीधा जाएंगे और इसके एक साइड वे रोड के चिड़ियाघर है, और सीधा जाएंगे तो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है इस्लामाबाद की पहाड़ियों का, जो दामन एकोह की तरफ लेके जाता है। ये रास्ता सीधा पहाड़ के ऊपर जा रहा है, तो दोनों तरफ है जंगल और बहुत है ग्रीनरी, खूबसूरत है मनाजिर यहाँ के। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर इस्लामाबाद की पहाड़ों में एयर क्रैश हुआ था, जहाज़ इस्लामाबाद की पहाड़ों में जाकर क्रैश हो गया था। और इस जंगल के कुछ हिस्से में आग भी लग गई थी दोस्तों। जी दोस्तों, दामन एकोह के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत जगह है, अगर आप इस्लामाबाद में आएँ तो इधर ज़रूर आइएगा। ये इंट्री पॉइंट है दामन एकोह का। जी दोस्तों, दामन एकोह में आ चुके हैं हम, तो दामन एकोह दिखाते हैं आपको इस्लामाबाद का। जी दोस्तों, इस रास्ते से चलते हुए चलना पड़ता है ऊपर, ऊपर से नज़र आता है पूरा इस्लामाबाद आपको, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। जी दोस्तों, ये दामन एकोह के अंदर एक खूबसूरत चौक बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये चौक के कुछ मनाजिर हैं। दोस्तों, पहले रोड के साथ बहुत सारे बंदर आए हुए होते थे यहाँ पर, लेकिन आज नहीं थे, वो पीछे जंगल में गए हुए, वहाँ भी चलते हैं और वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर से पूरा इस्लामाबाद। जी दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं ऊपर, और ये इन्होंने बनाया हुआ है छोटा सा चौक, और ये है चौक के कुछ मनाजिर। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पहाड़ के किनारे, यहाँ से नज़र आते हैं पूरा इस्लामाबाद। ये व्यू देखने का है, आप आइएगा, लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ये वो रोड है जो मैंने आपको पहले दिखाया है। इसी रास्ते से हम आए हैं और ऊपर चढ़ते आए हैं पहाड़ी सिलसिले के ऊपर, तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अगर यहाँ पर इस्लामाबाद में आए तो दामन एकोह में ना आए तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से नज़र आते हैं पूरा इस्लामाबाद और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ से आपको फैसल मस्जिद भी नजर आती है, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है।
मेरे साथ मेरे वाले साहब भी हैं, तो हम ले रहे थे सेल्फी दामन को पर, लेकिन बन गई वीडियो। दोस्तों जब दामन कोह के अंदर आप आते हैं तो दामन कोह के अंदर आपको मुख्तलिफ बंदर नज़र आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन आज नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मैं दरख्तों के अंदर जाऊंगा और आपको मुख्तलिफ बंदरों से मुलाकात भी करवाऊंगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों ये रास्ता जा रहा है सीधा एक और पहाड़ी की जानब, मतलब जंगल भी साथ साथ चलते हैं, तो दरमियान में बनी हुई है एक खूबसूरत सी पुल, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों जब हम ऊपर जा रहे थे तो मुख्तलिफ टहनियों के ऊपर हमें मुख्तलिफ जगहों पे बंदर नज़र आए, तो ये आप भी देख लें। दोस्तों यहाँ पर बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तादाद में बंदर आपको देखने को मिलेंगे। के मारे मैं इनके नज़दीक तो नहीं गया, मगर आप देख सकते हैं। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाएँ, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।